Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Granny. तो अभी मुझे इनके घर से बाहर निकलना है. Let's go. देखते हैं हम लोग कर पाते हैं या फिर नहीं. Okay guys, day one. अपने पास पूरे के पूरे 5 दिन है और 5 दिन के अंदर मुझे इस घर से एस्केप करना है. अभी मैं उस रूम में हूं जहां पर मुझे ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने पकड़ के बंद कर दिया है. एक बार आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देखो, कितनी ज्यादा डेंजरस बेसमेंट नहीं है. फिलहाल मुझे इतना तो याद है कि यहीं कहीं पर पास में लॉक पिक है एंड इस लॉक पिक के थ्रू मैं इस गेट को ओपन कर पाऊंगा. फर्स्ट टाइम ये ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम लेता है, बट हाँ उसके बाद ये इजीली ओपन हो जाता है. अब धीरे धीरे हम लोग इसे ओपन करते हैं और अगर ऐसा होता है कि ग्रैनी हमें पकड़ लेती है तो वापस वो हमें यहीं पे लाकर बंद कर देगी एंड फिर हम लोग इसी लॉक पिक से उसे इजीली खोल सकते हैं. यहाँ पर एक गेट और था. हाँ तो गाइस इस जगह पर ना मुझे इतना पता है कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जार या ये जो वेसल है, हमें यहाँ पर ये दोनों सेम टू सेम ऐसे लाकर इसके ऊपर रखने हैं. उसके बाद शायद यहाँ पर कोई सीक्रेट रास्ता है, सीक्रेट बंकर ओपन हो जाएगा जहां से हम लोग बाहर निकल सकते हैं. वो सस्ती सिलेंडरी ना अभी अभी मेरे आसपास से गुजरी है. अगर आप लोग ईयरफोन वगैरह लगाकर देख रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा. फिलहाल गाइस सामने की तरफ में वो देखो, एक वुडन लॉक पड़ा हुआ है. मुझे वो वुडन लॉक लेना है एंड उसका यूज क्या है वो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ वो मुझे लेना है. उसको एक चिमनी में रखना. वेट, ग्रैंडपा कहां से आ गया? ओ तेरी शॉटगन मारक, बंद 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 हो जा भाई. क्या हो गया इस गेट को? मैं गया. मैं छुप भी तो नहीं सकता हूं ना यहां पे. ग्रैंडपा सॉरी, इसको चले जा भाई प्लीज. बच गए भाई. ओके अभी गाइस ग्रैंडपा जा चुका है. मुझे पता, बिल्कुल आइडिया नहीं था वो तुरंत कैसे नीचे आ गया भाई. ऐसा कैसे हो सकता भाई? अभी मैंने कुछ करा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक गेट अनलॉक करा. ग्रैनी, अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये तो नहीं छोड़ेगी. ये दोनों इतनी जल्दी उतर के कैसे आ गए? मुझे सामने वाला ना गेट बंद करना पड़ेगा. प्लीज जाने दो भाई. नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले. भाई ये क्या है यार? अभी तो कुछ करा ही नहीं मैंने यार. मैंने वो वुडन लोग उठाया है. जस्ट मैं निकलूं यहाँ से प्लीज. हेलो, ओके मामला शांत है. पता चला पीछे खड़ी हो. ओके ठीक है, शायद वो उसके शोर से आए होंगे. वो इसी की बात. ओए हेलो, वेट. अभी मुझे सस्ती सिलेंडरिना से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं डरना है. एंड अगर अभी आई है तो यहां पर दोबारा शोर हुआ होगा. मुझे साउंड ध्यान से. गाइस आप लोग भी ईयरफोन लगा लो ताकि आप लोग को भी थोड़ा बहुत साउंड का अंदाजा रहे. ओके वो लोग यहां पे ट्रैप लगा कर गए हैं ताकि अगर मैं ऊपर आने की कोशिश करूं तो मैं ट्रैप में फंस जाऊं. मैं ट्रैप को खराब नहीं कर सकता क्या? अगर मैं शायद इसके ऊपर कुछ ड्रॉप करूंगा ना तो ट्रैप खराब हो सकता है. वैसे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस ध्यान रखना है. वैसे यार मैं लास्ट टाइम इतना अच्छा कर गया था यार, इस बार तो इन्होंने बिल्कुल डरा सा दिया है. मैं वाला गेट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इस वाले रूम के अंदर 2 जगहें छुपने की. सस्ती सिलेंडरी ना मुझे डरा मत यार, बार बार पता नहीं कहाँ से आ जाती है भाई. ओके यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉर है. कोई आ रहा है. कोई बहार से यहाँ को गया, ठीक है मैं 100% श्योर हूँ. ये ओपन करते हैं. खाली है, ये भी खाली है. ये वाला गेट में कोई भी नहीं है. मैं ऊपर चलता हूँ क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर ना गाइस थोड़ा बहुत सेफ है. हाँ नीचे वाले फ्लोर से तो काफी ज्यादा सेफ है क्योंकि वो सॉरी ग्रैनी भाई वो ऊपर ही थी. वेट मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए. मेरे को ना वापस नीचे नहीं जाना वरना ये लोग मेरे को पागल बना देंगे इधर उधर घुमा के. थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ग्रैंडपा वगैरह का कि वो कहाँ पर है. वेट ग्रैनी आ रही है मेरे पीछे. आ जा, तेरे से तो डर नहीं लग रहा मेरे को. ये ठीक है, ये अपने आराम से पीछा करते रहेगी. बट अगर सामने से ग्रैंडपा आ गया ना तो अपनी बैंड भी बच सकती है. प्लीज़ ग्रैंडपा अभी नहीं, मेरे को तेज तेज भागना पड़ेगा भाई यहाँ से. मेरा प्लेयर ज़्यादा धीरे चल रहा है क्या? ऐसा लग रहा है मेरे को मैं मरूंगा भाई. वेट मेरे को अंदर जाना होगा सबसे पहले तो, वरना ग्रैनी मुझे खा जाएगी. एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक लिफ्ट है गाइस, इस लिफ्ट के थ्रू मैं एकदम मस्त ऊपर जाऊँगा. अभी ये मैंने दबाई. बाय बाय ग्रैनी, निकल यहाँ से. अभी गाइस ये तो मैं भूल ही गया था. अभी मैं ना सब कुछ यहीं से करने वाला हूँ. ऊपर जाना, नीचे आना, इसी के थ्रू होगा. तो ये मैं आ चुका हूँ सबसे. अरे इसी फ्लोर पे जाना था. चलो कोई नहीं, छत पे चल लेते हैं पहले. कोई दिक्कत नहीं, बस आप यहीं रोक दियो ठीक है. ऊपर सिलेंडरीना भी हो सकती है. ओके कोई है तो नहीं. ओके तो गाइस अभी मैं एकदम टॉप पे आ चुका हूँ. मुझे पहले छत पे जाना चाहिए या फिर नहीं? यहाँ पर क्या रखना है? एन ओल्ड क्रिब. ओके
तो इस स्क्रिप्ट के अंदर ना मुझे वही ला के रखनी है, वो जो डॉल मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद वो मुझे ला के रखनी है। एंड यहाँ से मैं शायद इस टेबल के ऊपर जंप मार सकता हूँ, मरूंगा नहीं मैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया हूँ, सामने भी कुछ ड्रॉर्स हैं, इसे चेक करता हूँ मैं ओपन करके। ये क्या यार, यहाँ भी कुछ नहीं है, खाली के होते हैं मेरी बारी में हमेशा। वैसे ये जो मैंने अपने हाथ में ले रखा है ना, इसको मैं यहाँ टिका देता हूँ इस चिमनी में, ये यहीं पर रखना था, ठीक है। इसे शायद जलाना भी हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं, बट शायद इसे, ये लॉकपिक से नहीं ओपन, हाँ ये लॉकपिक से ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है यार एस्केप वाली गेम में, लॉकपिक हर गेम में इसका यूज़ होता है। ग्रैनी तो ऊपर कैसे पहुँची, मैं सारे रास्ते ना अनलॉक कर देता हूँ। अभी ग्रैनी यहाँ से नीचे आएगी, ये यहाँ पर आए इससे पहले ना मैं ही अपना निकल लेता हूँ, ये क्या ही बिगाड़ लेगी मेरा। ये बटन दबाया एंड ऊपर से आ रही है वो, फिर जल्दी आ, चलती है चलती है चलती है, मेरे को उस पर बैठना है। आजा 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 भाई, वरना ग्रैनी आ जाएगी तेरे से पहले। तो लेट्स गो, हम आ चुके हैं, अभी चलते हैं भाई। लिफ्ट सबसे बेटर है, अभी मुझे इस वाले फ्लोर पे ना बाहर निकलना है सबसे पहले। तो ये तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया ना, ओके ठीक है, मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे था। यानी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है, इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ है। अ बैरल फुल ऑफ वाटर, शायद वो जो हमें बैरल वहाँ पर दिखा था ना, वो यहीं पर यूज़ होने वाला है। इसमें तो कुछ भी नहीं था, लास्ट टाइम भी नहीं था, इस टाइम भी मेरे को लग रहा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा का फिक्स है इनका, मतलब फिक्स तो नहीं है बट कुछ चांसेस होते हैं किस चीज़ के। ओ वाह, ओ वेट, इसके अंदर मुझे मैच बॉक्स मिला है, और ये जो मैच बॉक्स है इससे शायद से वो चिमनी कंट्रोल होगी, मतलब हम उस वुड को जला सकते हैं, एंड वुड का जो धुआं है वो चिमनी से बाहर निकलेगा, और चिमनी के ऊपर एक क्रो बैठा होता है जिसके पास चाबी होती है, ऐसे ही कुछ है। मुझे बाहर निकलना था, वेट अभी मैं एकदम ऊपर आ चुका हूँ, कोई नहीं नीचे जंप मार के चल लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है भाई आज बिल्कुल भी। यह मैं आ चुका हूँ यहाँ से बाहर, ग्रैंडपा ने मुझे देखा है, ऊपर होगा तो मैं गया। ग्रैंडपा भाई पंगे मतलब मैं मुंह तोड़ दूंगा। अरे वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, अरे अरे अरे। वैसे मामला शांत है, मैं छुपे रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्लॉक क्या है, ये खुलेगा नहीं खुला, क्लॉक में भी कुछ नहीं होना। ये छुपने की जगह है, ये छुपने की ठीक ठाक जगह है, पता है मैं यहाँ पे एकदम मस्त छुप सकता हूँ, ये लोग मुझे देख भी नहीं पाएंगे, और मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ, ये तो और भी ज़्यादा बेटर है ना। यहाँ से गाइस अभी हम लोग ना पहले चलते हैं नीचे, और सामने वाला जो रूम है ना वहाँ पर जाने के लिए मुझे चाहिए होगा एक वुडन प्लैंक, जो कि मुझे लास्ट टाइम शायद उस शेड के पीछे से मिला था। वो वुडन प्लैंक मैं अभी लेकर आता हूँ, बट उससे पहले ना मुझे, हमें एक रूम दिखा था ना वहाँ पर, मैं उसे लकड़ी को जला के देखता हूँ। चल जा, ओ वाओ ये जल गई, ये जल गई, मैं जो कर रहा हूँ यानी बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ऊपर से ग्रैनी आ रही है, मेरे को पीछे जाना चाहिए, ग्रैनी ने मुझे देख लिया। वेट मैं काम करता हूँ, ग्रैनी को ना यहाँ बुलाता हूँ। उत्तरी दोनों आ रहे भाई, ये तो शॉटगन ठोक देगा मेरे, मेरे को भागना पड़ेगा भाई, मैं गया वरना आज कोई नहीं बचा पाए। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई। मैं कूद रहा हूँ नीचे, अरे भाई मर जाऊंगा। वेट मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया। ये लोग तो नहीं आएंगे ना कूद के।